ईवीएम से चुनाव दुनिया के सबसे बड़ी लोकशाही की डकैती। टाइम बचेगा कहाँ, टाइम बच रहा है, पहले से ज्यादा टाइम लग रहा है। आप 7 चरण में चुनाव करवाते हो, ये लोग विरोध कर रहे थे, आज ईवीएम के पक्ष में क्यों? तो इसमें ईवीएम में कौन सी जादू है भाई? ईवीएम खुलते ही आपको पता लगा कि जो रिजल्ट पब्लिक कुछ और सोच रही है, रिजल्ट सीधे बदल जा रहा है। जाके बाहर में कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और यहाँ डेमोक्रेसी जो है हाईजैक कर लिया गया है, सरकार ने, चुनाव आयोग ने हाईजैक कर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए। आपको वोट जनता से ही लेना है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको पूरा एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाए। अगर आदमी का दिमाग ही खराब हो जाए तो मशीन क्या कर लेगा? अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहां पर वही बेईमान हो जाए, अगर डिस्ट्रिक्ट का डीएम ही बेईमान हो जाए, इलेक्शन कमीशन ही बेईमान हो जाए, सरकार ही बेईमान हो जाए, तो मशीन क्या कर लेगा? सवाल यहाँ जो है ये है, फंडामेंटल क्वेश्चन है। साथियों, एक आज़ादी मिली थी 1947 में, लेकिन ये समझ लीजिए कि ईवीएम से आज़ादी का ये आंदोलन है। और मैं आपके सामने, मेरे भाई हैं अभी लोकेंद्र जी आए हैं, आपको दिखाना चाहता हूँ। 30 नवंबर 2023 का एक सज्जन ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा है, और उसमें लिखा है कि खाचरौद नागदा विधानसभा कुल मत गिरे 1,78,364, अन्य प्रत्याशी 8,364, भाजपा 93,000, कांग्रेस 77,000। 93 और 77 का आंकड़ा इनके 30 तारीख को याद, तीन दिन पहले। और जब रिजल्ट आया तो 93,000 और 77,000 के पास ही मामा जी के लड़के है ना, आपके जो लिखे हैं वो, हाँ, दिलीप सिंह गुर्जर। अच्छा, तो ये देख लीजिए, तो ये क्या कलाकारी है, ये सब हम लोग समझ रहे हैं। सीधी और सीधी बात है, ईवीएम से चुनाव दुनिया के सबसे बड़ी लोकशाही की डकैती है। अगर हम ये चाहते हैं, एक इंसान भी भारत का चाह रहा है, भारत का चाह रहा है कि हम कागज़ से अपना वोट दे, तो इलेक्शन कमीशन को ये बात ये माननी पड़ेगी। जितने भी आप पक्ष आप रखेंगे आप ईवीएम के समर्थन में, अभी राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा है कि कहीं से मशीन ही है ना, मशीन को तो कोई भी कंट्रोल कर सकता है, जहां से भी कंट्रोल कर सकता है। आपसे पहले नासा वाला यहां का तस्वीर जारी कर देता है भारत का। तो जितने आप पक्ष में समर्थन देंगे, उस सब के खिलाफ हमारे पास आर्गुमेंट है। कह रहे हैं कि भाई बूथ मैनेज होता है बैलेट पेपर से, तो ईवीएम भी मैनेज होगा। कह रहे हैं कि बूथ लूट लेते थे, तो ईवीएम भी लूटा जा रहा है, आप सबके सामने दिख रहा है, अब तो वीडियो बन रहा है मोबाइल फ़ोन, पहले तो मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो बूथ ये ईवीएम मशीन भी लूटा जा रहा है। तो ये तमाम जिस तरह का आर्गुमेंट है कि भाई टाइम बचेगा, कहाँ टाइम बच रहा है, पहले से ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप 7 चरण में चुनाव करवाते हो, एक मान लिया कि 1 नवंबर में हुआ, फाइनल रिजल्ट आके फरवरी में आ रहा था, 3 महीना में तो कुछ भी हो सकता है, पूरी लीला ही बन जाएगी उसकी, ये बात है। दूसरी बात है कि जब 30-40 साल में पूरा देश, समाज, टेक्नोलॉजी सब कुछ बदला है, तो आप वहाँ बूथ पे आप सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हो, सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, आप इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है हमारे फोर्सेस के पास, अगर आपको लगता है कि ये सेंसिटिव बूथ है, यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है, तो आप डिप्लॉय करो वहाँ फोर्सेस, आप शूटर साइड का भी ऑर्डर दो कि जो बूथ लूटेगा उसको देखते गोली मारो, ये करने से आपको कौन रोक रहा है? क्यों एक खास तरह के लोग ही, एक खास तरह की पार्टी ही, भाजपा NDA, यही लोग पहले ईवीएम का विरोध कर रहे थे, यही लोग कर रहे थे ना, नरसिम्हा और अडवाणी जी ने किताब केस भी डाला, और इन्होंने किताब भी लिखा, सुब्रमण्यम स्वामी ने केस डाला था, किताब भी लिखा, ये लोग विरोध कर रहे थे, आज ईवीएम के पक्ष में क्यों है? मैं मध्य प्रदेश चुनाव में था, मैं गया था 4 दिन के लिए, और आप बैलेट पेपर वाला आप देख लीजिए, 199 सीट पे ओपोजिशन लीड कर रहा था। तो इसमें ईवीएम में कौन सी जादू है भाई? ईवीएम खुलते ही आपको पता लगा कि जो रिजल्ट पब्लिक कुछ और सोच रही है, रिजल्ट सीधे बदल जा रहा है। तो सीधे और सीधे साथियों, ये ईवीएम नहीं है, ये समझ लीजिए कि अगर जाके बाहर में कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और यहाँ डेमोक्रेसी जो है हाईजैक कर लिया गया है, सरकार ने, चुनाव आयोग ने हाईजैक कर लिया है। हम तो कोर्ट से भी आग्रह करेंगे इस संयुक्त मोर्चा की ओर से कि जो 19 लाख गायब ईवीएम का मसला है, वो मसला इस पर अविलंब इमीडिएट बहस हो। जब एक गोदिक पत्रकार के लिए जब 12 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, तो इतने बड़ा सेंसिटिव मैटर पर, इतने बड़े मैटर पे ये कोर्ट में पेंडिंग क्यों है? इलेक्शन पिटीशन पिछले बार का पड़ा हुआ है, कई हमारे साथी डाल चुके हैं कोर्ट में, लेकिन उस पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही? तो मैं ये कह रहा हूँ, प्राचा साहब को समर्थन करते कि हम सुप्रीम कोर्ट संविधान के हिसाब से अपना पक्ष रखे, इसमें पक्ष रखे,
अभी हमारे CGI जाते हैं तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पूरे दुनिया भर में करते हैं। जब यहाँ की जनता आवाम कह रही है कि हमारा डेमोक्रेसी हाईजैक कर लिया गया है, मशीन में गड़बड़ है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए और अविलंब इस पे डे टू डे बेसिस पे हियरिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं जितने ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी सुनेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, मैं आपसे भी आह्वान कर रहा हूँ कि आप अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट कीजिए और बोलिए कि जाकर इस पे मिस्ड कॉल मारें। सारे लीडर्स को, जितने जो EVM का विरोध कर रहे हैं, सारे लीडर्स इसको डालें। और दूसरी बात है कि ये एक तरह से सिटीजन्स मूवमेंट है। yes, सिटीजन्स मूवमेंट, एब्सोल्युटली। हम लोग किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी ये आग्रह करें कि जो अपोजिशन पार्टी जो EVM के विरोध में है वो इसके खिलाफ, वो भी तो सिटीजन है, वही वोटर है इस देश के, चाहे कितने भी बड़े नेता वोटर तो है ही, वो भी इसके खिलाफ आगाज करें। क्योंकि हम लोग को याद है 5 साल पहले जब राजेंद्र पाल गौतम साहब के हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी तरह से डेमो किया था, याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और वो खुद राहुल गांधी ने अपने वॉल पर शेयर किया और 20 करोड़ लोगों ने देखा था। तो अब खाली शेयर करने से काम नहीं चलेगा, ओपोजिशन पार्टीज भी इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाए कि अपोज EVM सेव डेमोक्रेसी, अपोज EVM सेव जनता की आवाज है, जनता ये चाह रही है, आपको वोट जनता से ही लेना है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको पूरा एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाए, अपने घोषणा पत्र में भी लाए, और ये भी हो कि एकदम बैलेट पेपर से चुनाव होगा और नहीं तो EVM से चुनाव नहीं होगा। नहीं तो इसके बाद मैं ये कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ना है, हमें आपको नहीं लड़ना, शायद आपको लड़ना पड़ सकता है। पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ना है, 24 में अगर EVM की सरकार आ गई तो पता नहीं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगा कि कौन सा फॉर्म गवर्नमेंट का होगा, नया संविधान सभा बन जाएगा, संविधान सभा बनेगा और सारा इलेक्शन विलेक्शन सब खत्म हो जाएगा, तो आप फिर चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए ये ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को ये चेतावनी भी है कि अपने फ्यूचर के लिए, अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए भी ये एक तरह का अखिल भारतीय मूवमेंट है। आज आपके सामने भानु प्रताप जी ने जिन राज्यों 13 राज्यों का नाम लिया ना, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी ही, ये अखिल भारतीय स्वरूप ऑलरेडी ये ले चुका है। इसलिए हम लोग जो ताकत लगा रहे हैं अपने मिनिमम रिसोर्सेज के हिसाब से, उस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें अपनी ताकत लगाए। और पूरा लोहिया के बाद से फिर मैं ख़त्म करता हूँ कि चुनाव आयोग नहीं मानती है तो पॉलिटिकल हम लोग हैं ही, हम लोग फ्रंट पे लीड करेंगे। आइए दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन हो, चुनाव आयोग पे प्रदर्शन हो, लाखों लोग इकट्ठा हो, और ये संविधान के हिसाब से, संविधान जो राइट देता है हमें एकदम संविधान के हिसाब से, हम लोग निर्वाचन आयोग का भी घेराव करेंगे। इसमें पूरी देश की जनता से अपील है कि डू और डाई, ये नारा 1942 में गांधी ने लगाया था कि करो या मरो, उसी तरह से डू और डाई है। नहीं तो पता लगा ये कैसे हो, कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब की बार 400 पार, कहाँ से, कौन सा ऐसा आपने काम किया है? किसान सड़क पे है, छात्र शिक्षक सड़क पे है, मजदूर सड़क पे है, पहलवान सड़क पे है, तमाम लोग सड़क पे है, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से? फौजी भी सड़क पे है, ड्राइवर सड़क पे है, सब लोग सड़क पे है। इनका जादू उसमें कौन सा लीला है, जादुई है मशीन की, उनमें से आपको 400 पार हो जाएगा। इसलिए हम लोग जान रहे हैं कि ये पूरा गड़बड़ होना है EVM से। EVM का अपोज करो, संविधान बचाओ और देश बचाओ। शुक्रिया।